सिवान के हुसैनगंज में 19 लाख रुपए की लागत से बनेगा पंचायत भवन। हुसैनगंज के बीडीओ मनीषा प्रसाद के नेतृत्व में आज प्रखंड परिसर में बनाए जाने वाले पंचायत भवन की भूमि पूजा की गई। वह इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीडीओ मनीषा प्रसाद ने बताया कि हुसैनगंज ब्लॉक में पंचायत भवन बन जाने से यहाँ की आम जनता को भी काफ़ी सुविधा हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अब हर एक पंचायत के सचिव किसी भी तरह की मीटिंग इस भवन में ही कर पाएंगे। आपको बता दें कि पंचायत भवन के निर्माण का कार्य हुसैनगंज ब्लॉक के खानपुर खैराटी के सबसे लोकप्रिय मुखिया सनाउल्ला अंसारी के कार्य शैली को देखते हुए उन्हें सौंपा गया है। वहीं सनाउल्ला अंसारी ने कहा कि पूरे ब्लॉक के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ब्लॉक परिसर में नए पंचायत भवन का निर्माण होने जा रहा है, जिससे जनता को कई तरह की सुविधाएं हो जाएंगी। वहीं इस मौके पर मुखिया संघ अध्यक्ष हरेराम यादव, ब्लॉक प्रमुख राजा राम शाह, उप ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह, राजद जिला सचिव धर्मेंद्र यादव, इश्तियाक अंसारी, जुबैर अली, बी डी सी रंजन शाह के साथ और भी कई लोग मौजूद रहे। आज खानपुर खराटी पंचायत के खराटी में ये मुख्यालय के पास ही एक पंचायत भवन का ओपनिंग किया गया है। इसमें आप आए हुए भूमि पूजन किया है, तो इस पर क्या कुछ जनता को संदेश देंगे? जनता को यही सही संदेश हमारी तरफ से है कि परस्पर सहयोग के साथ रहें, जो भी विकास का कार्य है साथ मिलके हम लोग आगे उसके लिए प्रयासरत हों, समस्याएं खुल के सामने आए जिनका निराकरण। सुनने में जनता से आया अभी कि काफ़ी मुखिया यहां पर खानपुर खराटी पंचायत में बने, लेकिन सोनल्ला अंसारी और टुन्ना जी जो मुखिया बने हैं और इसके प्रयास के लिए जिला स्तर पर गए और यह आज कार्य इनको कंप्लीट मुकम्मल हुआ और इनको कामयाबी हासिल हुई, इनको क्या संदेश देंगे? बहुत ही मेहनती हैं मुखिया जी। हम लोगों ने कोरोना जो संक्रमण था, जिस समय होम क्वारंटीन और स्कूल में जो भी प्रवासी है उनका क्वारंटीन किया गया, जब तो इन्होंने बहुत सहयोग दिया, बहुत मेहनत किया। और मुखिया जी बहुत मेहनती हैं, बहुत कम बोलते हैं, और ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की और लोगों की हमें ज़रूरत है जो मेहनत करके विकास की ओर आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समन्वय कर सकें, जैसा अभी वर्तमान मुखिया जी करते हैं। जैसे आज यहाँ पर जो भूमि पूजन किया गया, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगे और किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा? जो भी पंचायत सरकार भवन में रहता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होती है, वॉशरूम रहता है, हॉल रहता है, लोगों के आने की व्यवस्था रहती है, स्टाफ के बैठने की वहाँ पे व्यवस्था रहती है, वो सारी चीज़ें यहाँ भी रहेंगी।